हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज काइंड ऑफ फंक्शंस। इस तरीके के फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है, तो देख सकते हैं आप और समझ सकते हैं कि इसका लेवल काफ़ी अच्छा है और जेई के लेवल का क्वेश्चन है। आप साथ साथ बने रहें, देखते रहें कि डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। तो डोमेन के लिए तो काफ़ी सरल बात है कि a माइनस एक्स जो है वो क्या होना चाहिए। डोमेन के लिए a माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ये दो कंडीशंस होना चाहिए और दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए। इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे हम। तो ये हो गया a ग्रेटर और इक्वल टू x और इसमें हो गया x ग्रेटर और इक्वल टू b। तो एक ये कहता है x ग्रेटर और इक्वल टू b और ये कहता है x लेस और इक्वल टू a। और आप देखें कि a इज़ ग्रेटर देन क्या है, b है, तो a वाली साइड b से बड़ी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि डोमेन इन दोनों को जब मैंने क्लब कर दिया है तो डोमेन आपका आ गया है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल b टू a। दोनों वैल्यू b भी रख सकते हैं और a भी रख सकते हैं। तो ये साथ में समझ में आया कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आप देखेंगे कि आपको मिलेंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिखा हो कभी 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, इस तरीके के ढेर सारे कॉम्बिनेशन ए और बी को बदल के बनते हैं। तो ये डोमेन है इसका। अब हमारे पास है दोस्तों रेंज। रेंज निकालने के लिए हम इसको एफ ऑफ एक्स को वाई से इक्वेट कर लेते हैं या एफ ऑफ एक्स ही रहने दें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एफ ऑफ एक्स भी रहने दें तो भी कोई खास बात नहीं है, वाई भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप इसमें स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। और आप ध्यान दें दोनों इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो आउटकम है फंक्शन में आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी फंक्शन के केस में मॉड ऑफ एक्स होता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये भी पॉजिटिव होगी, यानी इसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। स्क्वायरिंग करने से हो जाएगा ये आपका स्क्वायरिंग ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायरिंग ऑफ दिस ए माइनस एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ दिस एक्स माइनस बी और एक आएगी टर्म आपके पास प्लस टू ए बी। तो टू ए बी तो टू इंटू रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया ए माइनस बी प्लस टू टाइम्स। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में ए इंटू एक्स ए एक्स ए इंटू एक्स ए एक्स ए इंटू बी ए बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास ए माइनस बी प्लस ट्वाइस। इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ध्यान से देखिए आप एक्स स्क्वायर ये माइनस ए एक्स हो जाएगा और ये माइनस बी एक्स हो जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस हमारे पास हो जाएगा प्लस ए बी। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ आपकी मदद से, तो साथ में रहें, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ताकि हमें और इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता लग जाए कि बात क्या है। तो ये आगे आपका ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर है ए माइनस बी प्लस ध्यान दीजिएगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर क्या कंडीशन है आपके पास, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या चाहिए टू ए बी, तो टू ए बी इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू ए प्लस बी बाय टू इंटू एक्स। अब ध्यान दें, अगर ये मैंने इसमें इसमें ध्यान दीजिए कि ये ए स्क्वायर है, ये टू है, ये ए है, ये बी है, तो इसका स्क्वायर ऐड करूंगा और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर
प्लस ए बी इज देयर, तो ये करना पड़ेगा मुझे माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में चल रहा है, और ब्रैकेट के बाहर आप देख सकते हैं माइनस है, स्क्वायर रूट में देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, ए माइनस बी प्लस टू ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ देखिए माइनस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ए एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर, ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर। और दूसरी बात देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और अपॉन में क्या है इसके, अपॉन में फोर है, और एलसीएम लें अगर अभी, तो एलसीएम लेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस टू अंडर रूट माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू, सॉरी ये होल स्क्वायर इधर आएगा होल स्क्वायर, और यहां पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपके पास, फोर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर। इसको क्या लिख सकेंगे हम, इसको लिख सकेंगे ए माइनस बी प्लस टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर। अब इसको देखिए ध्यान से देखना, इसमें अगर ये फोर ए बी में से टू ए बी माइनस किया मैंने तो ये प्लस टू ए बी होगा, तो एक काम करते हैं हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बिकम्स प्लस बी स्क्वायर बिकम्स प्लस, और जो ये फोर ए बी माइनस टू ए बी है, फोर ए बी माइनस टू ए बी का जो आउटकम है टू ए बी, वो माइनस टू ए बी हो जाएगा, तो ये माइनस टू ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, अपॉन में आ जाएगा फोर। अब इस माइनस को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा वो भी देखना है आपको, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस टू और अंडर रूट, इस माइनस को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस माइनस बिकम प्लस, और इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर, ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर, बी माइनस ए होल स्क्वायर नहीं लिखना है अपने को, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ए ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है आपको, ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा दोस्तों एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब ध्यान दें, अब सब कुछ आ गया है हमारे पास और हम बिल्कुल रिजल्ट के करीब करीब पहुंच गए हैं, तो आप देखिए कि ये जो इसकी जो, यहां ध्यान से देखना है आपको कि ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है तो वो क्या होगी, तो ध्यान से सुनिए, इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए अपन बात कर लेते हैं। तो अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये वाला पार्ट, क्योंकि ये माइनस है इसमें से, ये वाला पार्ट जितना छोटा होगा, ये वाला पार्ट जितना छोटा होगा उतना ही, जितना भी छोटा होगा उतना ये आउटकम बड़ा होगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, जब व्हेन ये वाला पार्ट x माइनस ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी बाय टू, और अगर ये जीरो होता है तो हमारे पास क्या आने वाला है दोस्तों, तब हमारे पास आने वाला है ए माइनस बी प्लस ट्वाइस, ध्यान से देखिए ए माइनस बी प्लस ट्वाइस, और अंदर अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी बाय टू होल स्क्वायर, ऐसा लिख दें। और मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस टू,
ए माइनस बी बाय टू, ए माइनस बी बाय टू। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और आउटकम ये इसलिए है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका आउटकम ए माइनस बी ही होगा, बी माइनस ए नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी टू ए माइनस बी। ये किसकी वैल्यू दोस्तों, ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस बी, अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस बी। और ध्यान से देखिए, अगर इसकी वैल्यू इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन एक्स दिस मच, और अगर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम चाहिए हमें, तो मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए क्या होगी, ये आप ध्यान रख लें, ये मैक्स वैल्यू है। अगर हमें मैक्स की जगह क्या चाहिए होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए होगी। तो मिनिमम वैल्यू दोस्तों क्या होगी, जब ये अंडर रूट हमारा अंडर रूट का एक्सप्रेशन, क्योंकि हमेशा क्या हो सकता है, ये केवल केवल प्लस होगा, और अगर ये प्लस होगा, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये प्लस होगा, ये माइनस का नहीं हो सकता। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू जीरो हो सकती है। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर इज जीरो। दैट इज एक्स माइनस, इसको एक्स माइनस ए बाय ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर, देखें ए प्लस बी बाय टू होल स्क्वायर, इसको उधर ले लिया तो पॉजिटिव हो गया, और इसको इधर ले लिया ए माइनस बी बाय टू होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर। अब मैं इसमें से ध्यान दिए, इस x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू, x माइनस ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा इधर से भी, यानी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ए माइनस बी बाय टू, प्लस माइनस ए माइनस बी बाय टू। क्योंकि जब वैल्यू निकालना है तो वैल्यू में प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी। तो आप ध्यान से देखें कि इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार प्लस लेके कर देते हैं, एक बार माइनस लेके कर देते हैं। तो जब प्लस लूंगा मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बाय टू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू। अब ए प्लस बी बाय टू यहाँ आ जाए, ए माइनस बी बाय टू प्लस ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू एक्स। क्लियर मेरी बात आपको? तो जब ऐसा आ जाएगा तो ये b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी a। और दूसरा देखिएगा आप, दूसरा केस देखिएगा कि माइनस a माइनस b, ये देखिए माइनस क्या होगा, माइनस सॉरी माइनस a माइनस b बाय टू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू। क्लियर? तो इसको मैं भेज दूं इधर, तो ये माइनस ए प्लस बी अपॉन टू प्लस ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इससे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक्स की, क्या आ जाएगी इससे वैल्यू, ध्यान से देखें, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, ये बी बाय टू मिलके बी हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी। तो ये जो वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे ए पे, या वैल्यू मिलेगी बी पे। लेकिन जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो तो ऐसे ही ऑब्वियस है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, ये तो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यूज कब मिल सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू मिल सकती है जब एक्स की वैल्यू ए हो या जब एक्स की वैल्यू बी हो। तो जब मैं इसकी वैल्यू ए रख दूंगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर जब बी होगी तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा बी माइनस बी जीरो, ये हो जाएगा रूट ए माइनस बी। तो कहने का मेरे मतलब है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा मुझे, जब x का वैल्यू a होगा या x का वैल्यू b होगा। ये अगर आपसे पॉइंट्स पूछ लिए जाएं कि x की ये f ऑफ x
की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। वैसे मिनिमम वैल्यू तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। कब कैसे निकाल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। व्हाई इज इट दिस? दिस इज बिकॉज दिस स्क्वायर रूट, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इस स्क्वायर रूट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों? तो स्क्वायर रूट की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। तो इसलिए हमारे इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? रूट ए माइनस बी। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ए माइनस बी। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हो गई है रूट ए माइनस बी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई है? टू ए माइनस बी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू कब मिली है हमें, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसलिए आप ये ध्यान रहे कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ये एक्स इज इक्वल टू ए पे भी मिलती है और एक्स इज इक्वल टू बी पे भी मिलती है। और दूसरी बात है कि इसकी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कब मिलती है? तो ये केवल तब मिलती है जब एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू हो, जब एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू हो। तो अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो मैंने वहाँ लिखा था इसी तरह का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, रूट थ्री माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन लिख दिया। तो इसको ध्यान से सुने, इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कब मिलेगी आपको? या जब एक्स की वैल्यू थ्री होगी, या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? वन होगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू जब मिलेगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? थ्री प्लस वन बाय टू। तो ये एज अ रिजल्ट भी ध्यान रखा जा सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये तब मिलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी। यानी इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज जब मिनिमम रख देंगे हम, तो ध्यान से देखिए, मिनिमम में इनमें से दो में से कोई भी रखिए, तो थ्री रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी रूट टू, और इसकी मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू जब होगी, जब मैं एक्स की जगह क्या रख दूंगा? टू रख दूंगा। तो मैं एक्स की जगह जब टू रखूंगा तो ये हो जाएगा रूट वन, ये हो जाएगा रूट वन। तो रूट वन इज वन प्लस रूट वन इज वन, वन प्लस वन इज टू। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसका आपका रेंज हो गया। और इसका डोमेन आपने जैसे उसका निकाला था, एक उसका निकाला था बी कॉमा ए, तो इसका डोमेन हो जाएगा वन कॉमा थ्री, ये इसका डोमेन है। तो इस तरीके का, इस ट्रिक का आप अब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इतना सब कुछ समझ गए। अब नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मेट एज अ टेक्निक कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। एक और क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई दूसरी वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे दे दिया रूट ऑफ 4 माइनस एक्स दे दिया, यहाँ पर रूट ऑफ एक्स माइनस आपको दे दिया 2 दे दिया, तो इसका डोमेन क्या होगा? अब आप डोमेन निकाल सकते हैं, बी कॉमा ए था, इसमें ए कौन है? ए 4 है, बी 2 है, तो ये आपका 2,4 डोमेन हो गया। और रेंज निकालना है तो रेंज में मिनिमम वैल्यू कब मिलती है आपको? जब ये 2 रहता है, एक्स की वैल्यू 2 होती है, एक्स की वैल्यू 4 होती है, तो 2 रख दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा रूट 2। और मैक्सिमम जब मिलती है, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है? दोनों का एवरेज, 4 प्लस 2 बाय 2, तो 4 प्लस 2 बाय 2 क्या हो गया आपका? 3, तो 3 रख देंगे तो फिर 1 प्लस 1। अगर ये ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही आए, अगर आपका ये वैल्यू इस तरीके का था, यहाँ पे 4 माइनस यहाँ 1 कर देते तो कुछ और चीज़ आ जाती, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक। एज अ ट्रिक भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं अब, लेकिन पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना ज़रूरी था, जो कि आपने समझा। अब मेरी बेस्ट विशेस हैं कि चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे तक बात पहुँचा दें। ऑल द बेस्ट।